राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संगठन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसान 64 व सूत्रीय मांगों को लेकर लामबद्ध हुए। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह लोधी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अमर सिंह लोधी ने बताया, हमारे किसान भाइयों की अनेकों समस्याएं हैं जिसके तहत आज सिर्फ 64 मांगे हैं, जिसको लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन के जिसमें सेरा सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र बिजनौर सुनौरी सरवन नगर चंद्रवाल जैती खेड़ा बाती बलवंत खेड़ा अमोटिकरा बरोना सरथुआ सहित अन्य दर्जनों गांवों के किसानों की छोटी छोटी शिकायतें हैं जिनकी सुनवाई तहसील प्रशासन नहीं कर रहा है। हम लोग लोकसभा चुनाव के पहले उपजिलाधिकारी से बात हुई थी जिस पर कहा गया था कि चुनाव के बाद सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। मजबूरन हम लोग धरना पर बैठे हैं और बताए कि अभी तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव व नायब तहसीलदार अविनाश कुमार रावत ने सभी शिकायतों को सुना, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद उपजिलाधिकारी से बैठकर सभी समस्याओं को सुना और ज्ञापन लेते हुए 10 दिनों के लिए आश्वासन दिया कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, तभी संभव है। उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी उपजिलाधिकारी से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला रहा है और कब तक आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे? समस्याएं तो बहुत है, किसान बहुत परेशान है, तमाम लोग यहाँ अभी वरासत के लिए परेशान हैं, कॉलोनी के लिए परेशान हैं। अभी जैसे वो शमशान घाट मुर्दहिया तालाब बेचारे कागज तो लिए घूम रहे, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। 2 साल से यही चल रहा, हैंडपम्प खराब पड़े हैं। तो अभी मैडम आई थी, आज हमारी दूसरी मुलाकात है, उन्होंने आश्वासन दिया, वादा किया कि हमको एक हफ्ता का समय दे दो, जो भी काम आप लोगों के हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे तहसील के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे बिजली विभाग के हों, सारे अधिकारियों के साथ आपकी बैठक करा दी जाएगी, एक एक बिंदु पर चर्चा हो जाएगी और एक एक किसानों का काम किया जाएगा। तो आई थी, बता गई हैं, तो हमें विश्वास है कि काम करेंगे किसानों का। अगर नहीं करेंगे तो 14 तारीख को यहाँ दोबारा महापंचायत होगी, 14 दिन बाद फिर जो भी होगा देखा जाएगा, काम करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है।